नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूपी राजधानी न्यूज से केशव गौतम। आज मैं मौजूद हूं बाराबंकी जनपद के आम आदमी पार्टी कार्यालय पर। हमारी बीच में मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक भाई विनय पटेल जी और साथ में प्रभारी नूर सिद्दीकी जी। आइए पूछते हैं आज की इस बैठक के पीछे आपका क्या उद्देश्य है पटेल साहब? आज बाराबंकी सदर विधानसभा में नगरपालिका चुनाव है के लिए एक तैयारी बैठक रखी गई थी, जिसमें साथियों को जिम्मेदारी दी गई वार्ड लेवल पर अपना संगठन मजबूत करने के लिए, और हर वार्ड में हमारे 15 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा और उसके बाद फिर हम वार्डों में मोहल्ला प्रभारी गठित करेंगे। 30 घर पर हमारा एक मोहल्ला प्रभारी होगा, जिसको लेके आज विधानसभा प्रभारी हमारे इंजीनियर प्रदीप वर्मा जी के आवास पर एक बैठक की गई है और उसमें साथियों को जिम्मेदारी दी गई है। ये जो निकाय चुनाव आने वाले हैं, इसमें कितनी सीटों पे आप अपने पार्टी के प्रत्याशियों को उतारना चाहेंगे? देखिए, लगभग 16 से 18 मेयर के सीट हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, और नगर पालिकाएँ, नगर पंचायत और सभी वार्डों में लगभग 12,000 से ज़्यादा वार्ड है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों और सभी वार्डों में पूरे मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब तक आपके बाराबंकी जनपद में कितने विकास खंडों में इकाइयां गठित हो चुकी हैं? देखिए, हमारे 6 विधानसभाओं में विधानसभा प्रभारी बना दिए गए हैं। कल रामनगर विधानसभा में एक नगर पंचायत के अंदर में एक बैठक हुई थी, आज बाराबंकी में हुई है, कल जैतपुर में है, फिर 20 को आपका है, 20 को है हैदरगढ़ में, फिर 21 को है आपका कुर्सी में। इसी प्रकार से विधानसभा वाइज सभी विधानसभाओं में हमारी बैठकें जारी। सर, मौजूदा समय में आप महंगाई के ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? महंगाई के ऊपर बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस देश की जनता ने एक ऐसे व्यापारी को इस देश की सत्ता सौंप दी है जो गंजे को भी कंघी बेचना बखूबी जानता है, और स्थिति हमारी इतनी ख़राब हो चुकी है कि ये चीज़ें कहनी नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारी स्थिति श्रीलंका के जैसी हो जाए। आज आप देख रहे हैं पेट्रोल 120 रुपया, डीजल 100 रुपये, गैस के दाम 1025 रुपये। पिछले 24 साल में महंगाई का रेशियो हिंदुस्तान में सबसे ऊपर 2022 में आया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। और अगर इनसे आप पेट्रोल की बात करते हैं तो ये बनारस में मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठा देते हैं। अगर इनसे आप बेरोजगारी की बात करेंगे तो ये कहेंगे वो ताजमहल नहीं, वो तेजू महल है। अरे भैया, वो तेजू महल है तो उसको बनवा दीजिए, लेकिन हमारे नौजवान को नौकरी तो दे दीजिए, हमें महंगाई से मुक्ति तो दे दीजिए। एक लीटर गाड़ी में पेट्रोल डलाने के लिए 120 रुपये देने पड़ रहे हैं, गेहूं के दाम आप देख रहे हैं आसमान छू रहे हैं, सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं। और अभी इन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त 80-20 कर रहे थे, चुनाव के वक्त योगी जी ने कहा कि हम सभी गरीबों को अनाज देंगे, और अब कह रहे हैं सभी गरीबों से हम 24 रुपये किलो अनाज वापस वसूलेंगे। जो अनाज आपने चुनाव के समय दिया वो अनाज आप वापस वसूल रहे हैं। तो ये सरकार सिर्फ जुमलों की सरकार रही है, इनका जनता के बुनियादी मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ ये जनता को मंदिर मस्जिद में उलझाए रहना चाहते हैं। और ये मंदिर भी आप देखिए, 1991 से मंदिर की लड़ाई चल रही थी, हाई कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या में मंदिर बना, और जब अयोध्या में मंदिर बनने जा रहा है तो उस मंदिर में भी ये दलाली खाने के लिए पहुंच गए। तो इनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है। आप पूरे देश में किसी जिला अस्पताल पे चले जाइए, जिला मुख्यालय के एक जिला अस्पताल का एक दौरा कर लीजिए, और एक दौरा आप उसी जिले के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का कर लीजिए। अगर जिला अस्पताल 100 करोड़ की लागत से बना होगा तो 500 करोड़ की लागत से भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना है। इनके पूरे हिंदुस्तान के 625 जिलों में 3 से लेकर 5 करोड़ रुपए के लागत से 625 जिले में 625 फाइव स्टार होटलों जैसा कार्यालय इन्होंने 625 पूरे देश में बना रखा है। ये पैसा कहाँ से आया? ये पैसा जनता का ही पैसा है। लेकिन अगर हम इस पे बात करेंगे, हम डीजल पे बात करेंगे, हम महंगाई पे बात करेंगे तो आप कहेंगे यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़ गया है, फलाना हो गया है, ढिमका हो गया है। तो इनका जनता के मूलभूत ज़रूरतों से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। ये व्यापारियों की सरकार है और व्यापारियों के लिए काम कर रही है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारे सामने विनय पटेल साहब ने बताया, तो इनकी बातों से पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया है कि वर्तमान सरकार केवल असली मुद्दों से भटकाने के लिए
केवल और केवल ये केवल मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम का मामला सामने ला रही। अब हमारे बीच में मौजूद हैं जिला प्रभारी नूर सिद्दीकी साहब। सर, आपसे जानना चाहते इस समय जो शिक्षा का स्तर है आपकी नज़रों में कैसा लग रहा? शिक्षा बद से बदतर हो गई। अभी बिहार का कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र बहुत कम है और वो शिक्षा के लिए मांग रहा है। और जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ था उस टाइम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बोला था, शिक्षा एक ऐसी मूलभूत चीज़ है जिसके ऊपर हर बच्चे का, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सभी का अधिकार है। हम मानते हैं कि हमारी इकोनॉमी सबसे मजबूत हो जाए, हम इसके ऊपर चर्चा नहीं करते कि हम अमेरिका को कैसे पीछे कर दें, हम वर्ल्ड में अपना स्तर सबसे बेहतर कर लें। तो इसके लिए मूलभूत सेवाएं सबसे ज़रूरी शिक्षा ही है। बिना शिक्षा के देश बदल नहीं सकता है, बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मैं तो कहता हूँ कि जैसे हमारी दिल्ली सरकार ने आज पूरी दुनिया के सामने शिक्षा का एक बेहतरीन मॉडल प्रस्तुत किया है, बाहर से दूसरी कंट्रियों से भी लोग हमारे दिल्ली के शिक्षा मॉडल को देखने आते हैं। आज प्राइवेट स्कूलों से बेहतर सरकारी स्कूल बनवा दिए हैं केजरीवाल जी ने, जहां स्विमिंग पूल है, जहां अच्छी से अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। और आने वाले टाइम में हम इसी तरह से पंजाब में बनवाने जा रहे हैं, और हमें जहां जहां पर मौका मिलेगा हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे जिससे हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे और हमारा देश तरक्की करेगा। हम मुद्दे भटकाते नहीं हैं, हम ज़रूरत जिस चीज़ की मूलभूत सेवाएं जो चाहिए उस पे काम करने वाली पार्टी हैं। और हमें जनता मौका देगी तो हम ऐसे 5-स्टार स्कूल बना के दिखाएंगे जो प्राइवेट स्कूल भी ना कर पाए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, आम आदमी के प्रभारी नूर सिद्दीकी साहब का कहना है कि सबसे पहले हम शिक्षा को बल देंगे कि शिक्षा में जब सुधार होगा तो शिक्षा हर सभी तालों की चाबी है, इसी के आधार पर मनुष्य को मानवीय गरिमा के साथ जीने के पूरी तरीके से अधिकार मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम, नमस्कार।